नहीं, जो भी समझ में तो साधु ने तात्कालिक उपाय बताया था, देख लो ये तो करके अनुभव होगा, क्षणिक है और मूर्त उपाय हटा अगर सदा ही हटना चाहिए। अच्छे धर्म का लक्षण क्या है, ये कोई ऐसा थोड़े ना, धर्म का लक्षण धृति है, लेकिन मूल लक्षण धृति नहीं है, अक्रोध। दशकम धर्म लक्षणम कहा है ना, धृति क्षमा दमो अस्तेयम, सब मंजिल तक नहीं पहुंचना है आपको, पहले ही पादान पर पैर रखना है केवल, नहीं। वो कहते हैं ना, एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा, बहुत तो घोड़े को खरीदा और तो उसने सोचा कि उसे कहा भाई घोड़े की विशेषता क्या है, बहुत महंगी कीमत चुकाई थी उसकी। उसे कहा देखो घोड़े को अगर तुम्हें तेज दौड़ाना है तो कहना हे भगवान, और घोड़े को अगर ब्रेक देना है तो कहना सब्र सब्र सब्र, तीन बार सब्र सब्र बोल देना पर्याप्त है, और दौड़ाना है तो बस हे भगवान एक बार भी कह दोगे ना बस घोड़ा दौड़ पड़ेगा, बस। तो बैठ गया घोड़े पर, और घोड़े पर बैठा तो उसको अभी उसने जो बेचा था उसे ने कह दिया हे भगवान, अब घोड़ा तो कुलाचे मारने लगा। ये भी बहुत घुड़सवार था, वो कुशल घुड़सवार था, उसने घोड़े वो तो मस्त हो गया, आनंदित हो गया कि भाई अद्भुत घोड़ा है, वो भूल ही गया। फिर इतना दौड़ता रहा, एक दिन देखा सामने दौड़ते दौड़ते घोड़ा एकदम खाई बिल्कुल नजदीक, और तभी उसे अचानक ख्याल आया कि ये तो रोकना है, तो सब्र, घोड़े की थोड़ी सी स्पीड कम है, उसे ख्याल आया तीन बार बोलना है सब्र सब्र, घोड़ा रुक गया। लेकिन वो वहां रुका कि मुश्किल से, अब वो अगर 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट की भाषा में बोलो, अगर वो फिर अगर घोड़े ने अगर आगे बढ़ा तो सीधे खाई में पहुंचना है, और तभी वो जो पुरानी आदत है हम लोगों की बोलने की, उसके भी मुंह से निकल गया हे भगवान। क्या हुआ होगा आप सोच सकते, हम लोगों का सब्र इतना ही है कि बाद में हे ही भगवान निकलना है, और घोड़े ने फिर छलांग लगा दी। ये धर्म का लक्षण, अगर मूल एक लक्षण याद करना चाहें तो अक्रोध। आप घर में बैठिए, परिवार में बैठिए, समाज में बैठिए, राष्ट्र में बैठिए, आप तीर तलवार भी चलाएंगे तो क्रोध के कारण नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्रः करुण ये वचन, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, वो तो राक्षस पाल बैठा था ना, उसको कह रहे हैं कि तुझे अद्वेष्टा होकर के युद्ध करना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाचसि, फिर तो युद्ध युद्ध। और ये ब्राह्मण भी कर रहा है, क्षत्रिय भी कर रहा है, ये वैश्य भी कर रहा है, ये शूद्र भी कर रहा है, हर वर्ण कर रहा है। ये मत सोचिए कि जो केवल तीर तलवार धनुष लेकर के सीमा पर बैठा वही कोई बहुत बड़ा देशभक्त, जब आप बैठ करके जब समाज में सच्चाई की बात फैलाते हैं, कोई ब्राह्मण सत्य का उपदेश करता है, कोई सन्यासी सत्य का उपदेश कर रहा है, वो घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व की रक्षा ही भक्ति ही कर रहा है। जब कोई व्यापारी निष्कपट निष्ठल उसको साधु कह करके पुकारा, साधु शब्द साधु का ही अपभ्रंश है, और चोर का उल्टा साधु ही है, साधु का उल्टा चोर ही है, अगर कोई साधु नहीं है तो फिर, इसलिए आज भी कहीं बोलते हैं साधु चोर, चोर है तो चोर नहीं है तो साहु, वो तराजू कांटे वो संतुलन वो साहु का वो पर्याय है, उसकी वो तराजू, उस कहीं वो छल कपट नहीं है उसके जीवन में, वो देशभक्ति की पराकाष्ठा होगी। हम लोग तो एक ही परिभाषा लेकर के बैठे हैं तो वो बात नहीं बनती है। वो साधु कहता है सड़े हुए लोग, सड़ी हुई लोगों की मानसिकता क्या होती है, चीजें जब आपको देखा होगा उनके उनके ढंग भी ऐसे होते हैं, जब चीजें खराब होने लग जाए ना तो कहते हैं अब इसको बांट दो, दे दो किसी को, दे देते हैं। मुझे हमें मैं बचपन से जब से मुझे बातें याद आई तो मैं सुनाता रहता हूँ कि हम लोग छोटे छोटे थे, बचपन में मेरी एक ताई थी, तो
हम लोग उधर पूरब में ताई नहीं बोलते, चाची ही बोलते हैं, चाहे बड़ी एज की हो चाहे छोटी एज की। तो ताई यहाँ की भाषा में ताई ही बोले, तो बड़ी हमारी। तो जब उनके फल सड़ने लग जाते थे, केले बिल्कुल काले हो जाते थे, कोई फल साबुत रहता ही नहीं था, तब वो कहते थे आओ बच्चों, और बच्चे आओ बच्चों फल खा लो। और वो जब बुलाती थी तो बच्चे एक बार भागते ही थे, और जब हम लोग गए और जा करके वो फल हाथ में लेते थे तो ऐसे फिर ऐसे फिर लेकर, और उनके सामने तो रख भी नहीं सकते थे तो लेना ही पड़ता था, फिर लाकर फेंक देते थे, नहीं खा सकते। मैंने एक सन्यासी को भी, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े, बहुत बड़ा नाम, तो उनके आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी भी रहते थे, मैंने भी देखा, तो फ्रिज में फल सड़ जाते थे, पूरा फ्रिज भरा हुआ है, लेकिन एक फल किसी ब्रह्मचारी को, किसी अतिथि आगंतुक आ गया उसको नहीं मिलता, और लोग उनके पास आते थे तो कोई ना कोई फल ही लेकर, अगर कोई खाली हाथ तो कोई पहुंचता नहीं, साधु सन्यासी पर नहीं जाना चाहिए खाली हाथ, कभी माता पिता के पास भी जाइए खाली हाथ मत जाइए, कभी बेटी बहू के बेटी के पास जाइए, बहन के पास जाइए, बुआ के पास जाइए खाली हाथ मत जाइए, गुरु आचार्य के पास जाइए खाली हाथ में जाए। तो अब लोग आते थे तो सबसे पहला तो एक चीज तो लाते ही थे, फल ही लाते थे, वो फ्रिज भरे रहते थे, बड़ा सा फ्रिज था, और एक तो सप्ताह भर बीत जाते थे तो जो लोग रहते थे बोले फल तो बहुत है, लेकिन स्वामी जी का वो जब वो ताला मार देते हैं फ्रिज में वो खुलता ही नहीं है, वही खोलेंगे तो खुलेगा, वही बांटेंगे तो बटेगा। एक दिन तो ऐसा होता था, तो फिर वो सप्ताह भर बीत गया, 15 दिन प्रतीक्षा करते थे, तो बोले ब्रह्मचारी आ जाओ फल बांट लो, फल सब सड़ गए, तब उनका फल फ्रिज से निकलता था, वो देख बांट ही नहीं पाते थे, और अद्भुत वाणी थी उनकी, नहीं कह सकते आप किसका जीवन कैसा है। मैंने और हमने बहुत करीब से लोगों को भी, हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा, आपके घर में भी यही घटना घटती है, परिवारों में यही है, समाजों में भी ये बात होती है, चीजें जब सड़ने लग जाए, गलने लग जाए, तब आप, आज आपको पता है, कहते पूजा का घी चाहिए, पूजा का घी थोड़े ना होता है भाई, घी से पूजा होती है बात मान ली है, लेकिन पूजा का घी नहीं हो सकता है, कोई मतलब नहीं। दान के कंबल, कंबल का दान होता है, दान के कंबल नहीं होते, दान के कंबल का मतलब यही है, किसी की सर्दी जाए ही ना, आपको कंबल क्वांटिटी में बांट, इस सड़े हुए लोगों की मानसिकता, और उन्हीं की देन है आज इस तरह की सारी घटनाक्रम। और जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो आप ध्यान रखना, वो चीज आपके साथ 1000 बार होने वाला है, आज आपको स्वीकार हो जाए कि कल स्वीकार करो, स्वीकार आपको जीते जी करना पड़ेगा, चाहे वो अपने बेड बिस्तर पे पढ़ के स्वीकार करना पड़े, अपनी आंखों के सामने आपको स्वीकार करना, जो आप कर रहे हो समाज, घर के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, वो आपके साथ 1000 बार हो, 1000 बार, जैसे एक बीज धरती में पड़ता है 1000 दानों में आता है ना, और हो सकता है यहां का पड़ा हुआ आए ना आए, थोड़ी देर के लिए किसानों का रोना सुनी रहे हो, लेकिन जो आप कर्मों का बीज बो देते हो, जो दाना बो देते हो, मन में जो बो देते हो, उसके तो 1000 1000 गुना फल भर भर के मिलता है। हमने ये भी सुना है कि कई बार खेतों में कोई आपदा आ गई, दैवी आपदा, आपने सुना जरूर होगा किसी किसान से, पूरी फसल नुकसान हो गया, लेकिन जब वो सब कुछ हो गया, सब कुछ होने के बाद किसान कहता है फिर भी जो थोड़ा बहुत बचा तो हमने उसको साफ सुथरा करके, हमने कभी अन्न तो लाना ही है, और कहता है जी जिस साल हमने बहुत अच्छे अन्न उगाए थे उससे ज्यादा अन्न हमारे घर इस बार आया। सुना है कि नहीं सुना है कि किसानों से, कि भाई कई बार पशु चर गया, कोई सांड खा गया, बोला जी अन्न पिछले बार जितने कुंटल हुए थे उससे ज्यादा ही कुंटल इस बार, ये किसी किसी के साथ होता है, आपका सब लूट गया फिर भी आपके पास इतना आ जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं करते, और किसी का सब बचा हुआ है और पता चलता है उसके घर एक दाना नहीं पहुंचता, कुछ है। और इसीलिए तो बहुत सावधान होना कि जब हम कुछ गलत करते हैं
तो उसका परिणाम भुगतने के लिए। एक साधु कहता है जब हम एक चींटी किसी को काटते हैं ना, चिकोटी, बचपन में तो हम लोग चिकोटी काटते ही रहते, मजाक मजाक में चींटी काटना आता है। वो कहते हैं हमने तो, और कभी हमें जब कोई थप्पड़ मिलता है तो हम सोचते हैं हमने तो किसी को थप्पड़ नहीं मारा, हमें हमें क्यों थप्पड़ लग रहे हैं। और जिन तक कहता है तुमने चींटी काटी ना, वो पक गया, वो चींटी पकते पकते वो थप्पड़ बन करके आया। एक चिकोटी हमने किसी की काटी, हम भूल ही गए कि हमने चींटी काटी है, हम भूल ही गए किसी का हमने मजाक उड़ाया, और वो चींटी काटना वो थप्पड़ बनता है। सोचो अगर थप्पड़ मारा होगा तो क्या बनेगा, कोई भी चीज पक तो रही है ना, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी, उसकी सब कुछ पड़ा। सबसे उत्तम सामग्री, ऋषि ध्यान के शब्द हैं, सकल उत्तम सामग्री, सर्वोत्तम। अगर आप यज्ञ करने लगे हो, आपके पदार्थ, खाने वाली चीजें हो सकता है कि सस्ती हो, पर वहां पहुंचाने वाली चीजें आपकी उससे भी क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए। आप खुद दो रोटी खाते हो, जैसे मर्जी खाओ, लेकिन जब कोई घर आपके अतिथि बनकर के आए, कोई रिश्तेदार ही हो, आपके पास जो बेस्ट है वो आप जब देते हो, तब वो अतिथि कहलाता है, वो पूजा कहलाता है। और हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं हम खाते हैं ना, ऐसे ये थोड़े ना खाते हैं, ये तो गरीब सा दिख रहा है, ये तो ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, ये तो इसको मिला भी नहीं होगा। ध्यान देना, एक बार मुझे एक हमारी बड़ी चचेरी बहन थी, वो तो एक आज से करीब करीब 25 साल पहले की है, तो हम सुबह रात छत पे ही सबने बैठ करके बातचीत, गर्मियों के दिन थे, मेरी माता जी भी थी, और अब तो माता जी कभी शरीर छूट गया, तो जचेरी बहन थी वो किसी शादी को अटेंड करके आई थी, कुछ ही दिन हुआ था, 2-4 दिन। तो माँ से चर्चा कर रही थी कि वहाँ बहुत बड़ा शादी का उत्सव था, और बहुत तो वहाँ लोग उसमें आज से 25 साल पहले, तो कह रहे थे कि लोग वहाँ पे जो न्योता देते हैं और लिफाफे पकड़ाते हैं, तो बोले वहाँ कोई 5,000, 5,100, कोई 10,000, 11,000 इस तरह के न्योता दिए। मैंने कहा, तो मेरे मुंह से एकदम से निकला, मैंने दीदी आपने क्या दिया, तो बोली यही 1100। तो मैंने कहा कम नहीं है, तो बोली नहीं 1100, और आज से 25। उस समय आपको पता है लगभग गांव में लोग कितना देते थे, कोई 21 रुपया, कोई 51 रुपया, 11 रुपया, ये सगुन, इससे ज्यादा कोई न्योता देता नहीं था, आज से 30-35 साल या 25 साल के आसपास की बात है। तो 1100 तो बहुत है। तो मैंने कहा आपका सबसे बड़ा था या आपका सबसे छोटा था, तो आपने कह दिया, बाद में बताई थी कोई 51 और 11 हजार की बात, बोले नहीं मेरा सबसे छोटा था। मैंने कहा तो दुखी वाली बात है कि आपका तो याद भी नहीं रखा जाएगा। मैंने कहा दीदी अगर यही पैसा जहाँ 51 रुपया दिया जा रहा है, कोई 21 रुपया दे रहा है, और वहां उस परिवार में अगर आपने 1100 रुपया दे दिया होता, वो सारी जिंदगी अपने बच्चों को भी बताता रहेगा। एक फलत लड़की आई थी और उसने 11, उसी से हमारा विवाह संपन्न हो गया। ये कभी मत सोचिए कि वो उसने खाया ना होगा, उसने पहना ना होगा, उसने ये ना किया होगा, उसने वो ना किया होगा, उसको तो इसको क्या, ये हमारी हमारे रैंक का तो है नहीं, तो इसको तो वो चीज क्यों दे। उसको दे दोगे वो एक पीढ़ी नहीं 10 पीढ़ियां वो आपकी बात को नाम याद रखेगा, और जिसको आप अपने रैंक का सोच रहे हो ना, अपने लेवल, वो आपको दूर भी नहीं याद रखेगा। और हमारी खोपड़ी ऐसी, हम सड़े हुए लोग हैं, हमारी पूरी मानसिकता सड़ी हुई मानसिकता, हम तो भगवान के पास भी कहां पहुंचने वाले, सड़े हुए, जब सड़ जाते हैं पूरा मन मस्तिष्क सड़ जाता है, तब हवन याद आता है, तब थोड़ी संध्या याद आती है, तब हमें कोई साधु संत याद आते हैं थोड़ी देर के, वो भी पागलपन के नाम। सड़े हुए लोग, आपको पता है गंगा भी अगर एक डबरे में रख दोगे सड़ जाएगी, प्रवाहमान है तो चलती रहती है, तो पवित्र है, बहता हुआ जल पावन होता है। जीवन में जो कुछ है, ये संसार है, यहां पर आपको निरंतर प्रवाहमान, गतिमान बना करके रखना होगा। साधु कहता है सड़े हुए लोग, दो पंक्तियां बोलिए, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने।
जो समेटते रहते ना कि अब ये चीज हमारे पास रहेगा तो विपत्ति में काम आएगा, ध्यान देना, जिसको आप समेटते हो जब विपत्ति आएगी वो विपत्ति में काम आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन जिसको आपने बांट दिया है, लुटा दिया है, दे दिया है, आप सोच भी नहीं सकते हो आपको किस किस तरह से, किस किस विधा से वो चीजें आपको मिलती है और मिल ही जाती है। जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, ये सबका अनुभव है। जो खूब सहेजा था, चाहे रिश्ते को संभाला हो, बड़ा नहीं, इसको तो बड़ा प्यार करना है, इसको तो बड़ा संभालना है, पता चला 10-20 साल ही बीता, ऐसा उलट करके वो शेर बन करके और आपके सामने आ गया। अब न भागे बन रहा है, न उसका पकड़ते बन रहा है, नहीं हो रहा है। घर में भी हो रहा है, यही परिवार में भी हो रहा है, यही समाज में भी हो रहा है, यही राष्ट्र में भी हो रहा है। चाहे रिश्ता हो कि धन हो कि मान सम्मान हो कि प्रतिष्ठा हो, कुछ भी, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था, जिसको नालायक समझ लिया था वही लायक सिद्ध हो जाता है, जिसकी उपेक्षा करते रहे तो बिल्कुल निखट्टू है, पता चला कि वही तो हॉस्पिटल भी लेकर के पहुंचना पड़ रहा है तो वही हॉस्पिटल लेकर के जा रहा है, और जो बिल्कुल लायक थे उनका कहीं कहीं दर्शन भी नहीं होने को रहता। ये संपत्ति के साथ भी आपको पता है सबसे बड़ी मूर्ति पूजा किसकी है? हम लोग सोचते हैं मूर्ति नहीं पूजते हैं। अगर हम धन पूजते हैं हम सबसे बड़े मूर्ति पूजक। अच्छा धन कौन सा है, जड़ है कि चेतन है? धन जैसा, और उसको उसकी पूजा, उसके आगे हम सब छोड़ने को राजी हैं। तो आप सोचो, साधु कहता है सड़े हुए लोग, सड़ी हुई मानसिकता, जो प्रवाहमान नहीं है, जो गतिमान नहीं है, जो गतिशील नहीं है। और चौथा कहता है गढ़े हुए लोग, अड़े पढ़े सड़े, और चौथा है गढ़े हुए लोग। बहुत थोड़े से लोग हैं जिन्होंने गढ़ लिया है, पात्र बना दिया है, अपने आप को कृपा पात्र बना। अब मैं आपसे, क्योंकि आज का अंतिम सत्र है तो कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूं। क्या गुरु आवश्यक है या नहीं है? है नहीं में उत्तर दीजिए। गुरु होना चाहिए, जीवित गुरु हैं समाजों में आपके लोगों के गुरु सबके? छूट किसने दी है? लेकिन लोग तो नाम उन्हीं का लेते हैं। अजी पतंजलि से ही है ना, नहीं मतलब कि गुरुडम का खंडन किया तो गुरुडम क्या है, गुरु क्या है, फिर तो या तो फिर फैसला करना पड़ेगा। तो गुरुडम हम कैसे पहचानेंगे? जो भी कोई जाता है, कोई मूर्ख तो कोई भी नहीं है धरती पर ना, अपने आप को कौन मूर्ख मानने वाला? लाके लाखों लाखों रुपए जाके दान कर आते हैं, चरणों में रख के आ जाते हैं और अपने आप को मूर्ख नहीं, आपको हमें मूर्ख समझते हैं। वो वहां चवर भी डुला देंगे, सब कुछ कर देंगे, हम उसको गुरुडम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो गुरुडम ऋषि ध्यानम के बाद घटा है कि बढ़ा है? क्यों बढ़ा है फिर? अब ऋषि ध्यानम जैसा व्यक्ति, कोई चीज आप एक सोच लो, आप कोई ऐसा जो ऋषि ने कहा हो कि ये अंधविश्वास है, ये अंध परंपरा, ये पागलपन है, ये वो, अब इस युग में वो छोटी सी युवक, छोटे से आयु का, और उसने पागल बना दिया, भूत प्रेत सब उतार रहा है। हाँ आप सोचिए, तो बड़ा आखिर क्यों नहीं कोई एक समाज का कोई आदि कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है, और समाज में चूंकि विद्वानों को तो कोई उसमें समाज अगर कोई बात करे तो सीधे सीधे अधिकारी लोग बने हुए हैं, यहाँ पे विद्वानों को तो कोई आगे नहीं हुआ ना कोई, क्यों नहीं खड़ा होता? क्यों नहीं कोई जाकर के विद्वानों को ही ला करके हर जगह से कोई खड़ा होना चाहिए, करना चाहिए था ना कि भाई चैलेंज दो, उसके लिए कोई नहीं, अगर होगा तो फिर बाउंसर उनके होंगे। अभी मैंने टीवी पर देख रहा था, एक ने वो पूछ लिया, कोई डॉक्टर था, हाँ, और वो कोई करोली बाबा एक
पहले कटोस करोली बाबा का भी एक कोस का वो परंपरा चला रहा है। सकल सूरत भी भगवान ने उसको अच्छी दे रखी है। और उसने कहा चैलेंज कर रहे हो, और इतना ही कहना भर था कि चैलेंज ही कर रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए। करिए दिखाइए चमत्कार, कुछ कोई नहीं दिखला सकता है, वो ना वो युवक दिखला सकता है ना कोई बाबा दिखला सकता है। आपको पता है कुछ खिला करके कुछ पिला करके, सिर्फ आप एक लीटर दूध पी लीजिए और पाव भर वो पी लीजिए जो नहीं पीना चाहिए। एक लीटर वाला तो बिल्कुल डल हो जाएगा, हो सकता है कि वो लेट ही जाए थोड़ी देर, उबासी से बोले जी अब तो एक लीटर पी लिया है, अब तो थोड़ा व्यायाम व्यायाम कर लिया है, तब तो थोड़ा सा सोना है। मैंने देखा ऐसे पहलवानों को वो 250-300 ग्राम घी तो ऐसे तैरता था उनके वो खिचड़ी कह लो चाहे उनके दलिया में, और वो ऐसे पी जाते थे थाली से लेकर, तो पचा भी लेते सरिया आदि ऐसे मोड़ दे। उनको 2 लीटर दूध पी करके वो कहते थे थोड़ा विश्राम करेंगे, लेकिन ये पाव भर पी लिया ये पूरा उछल कूद और क्या कर दे सारी ताकत उसी के अंदर, हनुमान जी समय समा जाएंगे तो कोई और प्रतिशक्ति दे। आजकल ऐसे ऐसे ड्रग्स आ चुके हैं, आपको 1 फुट दूर से सुंघा दिया जाए, मुझे बताया गया है 1 फिट दूर से सुंघा दिया जाए, आप ऐसे आप हंसते हुए आपका चेहरा हो जाएगा और आपका सामान और चोर उचक्के जो भी हैं वो आपके सामने ही ले जाएंगे और आप भीतर से चीख रहे होंगे और कुछ होगा नहीं, आपका हाथ भी नहीं उठेगा आपका, और करीब करीब 5-10 घंटा आप अचेत सी अवस्था में रहेंगे, लोग समझेंगे कि आपका ही कोई आदमी है, आप आराम से पड़े हुए हैं। जब भी कुछ इस तरह की घटनाक्रम होती है कुछ न कुछ खिलाया जाता है, कुछ न कुछ सुंघाया जाता है, कुछ न कुछ पिलाया जाता है, कोई आत्मा चेतना ऐसी कुछ नहीं होती। हाँ एक प्रसंग है महर्षि दयानंद का ही लिखा हुआ है, वो थोड़ा विवादास्पद आपको लगेगा लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की। कोई योग के मार्ग पर चलता है उसको अवश्य लिखा गया है, और महर्षि दयानंद 17वां अध्याय है, आप प्रमाण भी देख सकते हो, सहस्राक्ष सहस्र शीर्षा आदि जो योगी के ही वो लक्षणों में दिया है, अध्याय 17 मंत्र संख्या शायद 71, 71 या 77 के आसपास। अब चूंकि हम लोग साधना करते हैं, हमारे स्वामी सत्यपति जी थे महाराज, तो साहब सब कहते थे कि समाधव उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय, जो सात्विक लोग है ना उनसे सब कुछ होता है। अभी क्या कोई क्रम सिद्धि या वो भा अस्य वाक भवति, इसकी वाणी अमोघ हो जाती है योगी की, कोई सत्य की प्रतिष्ठा कर। अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैर त्याग, ये कोई छोटी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा है। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थान, और ये हो जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं। और वो कहते हैं कि वहां पे परकाया प्रवेश अनेक अनेक शरीरों में हो जा करके और हजार हजार तरह के सामर्थ्य कर सकता है, योगी कर सकता है। दूसरों का चित्त मन पढ़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है आज की तिथि, ये जो पागलपन कृपा का बाजार, अब तो 2-3 बाजार तो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन बंद कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ मीडिया में दिखना बंद हुआ है। चेले वैसे ही जा रहे हैं, दौड़ वैसे रही है उनकी, आज भी वो चटनियां बट रही हैं, आज भी चटनियां पी जा रही हैं, आज भी वो धाम जहां पहुंचना है पहुंच रहे हैं। एक आपने दुख निवारण आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि करके, अरुण गोविंद उनके बिल्कुल साथ ही रहते थे, जो राम जी का चरित्र, कभी अब कल्पना कीजिए, गढ़े हुए लोग जिन्होंने अपने आप को कर लिया है, पात्र बना लिया है, तो गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा ये प्रश्न है। कोई प्रमाण क्यों होना चाहिए, कैसे पता करोगे जिसके अंदर गुरु के प्रकार ज्ञान कैसे आएगा, मां गुरु तो है। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। अब आपको मैं प्रमाण देना चाहता हूं, आप अपने जीते जी कोई ना कोई गुरु आचार्य, एक आचार्य गुरु से नहीं अनेक अनेक, और हमने तो अपनी इस पुस्तिका में वेद धाम वाला जो वैदिक ध्यान का है इसमें ऋषि दयानंद का ही एक वाक्य है, बोलिए, नहीं आप्तानां सकासाद श्रवणेन बिना पठिता अपि विद्या फलवती जायते,
नहीं आप्तानां सकाशाद् श्रवणेन बिना, आप्त पुरुषों से सुने बिना, पढ़े बिना, पठिता अपि विद्या, स्वयं पढ़ी हुई विद्या फलवती नहीं जायते, कभी फलदायक नहीं होती। ऋषि के शब्द हैं, बोल दीजिए एक बार, सत्य वक्ता आप्त जनों से सुने बिना पढ़ी हुई भी विद्या फलदायक नहीं होती। प्रमाण है यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र संख्या 57, भाष्य भावार्थ है महर्षि दयानंद का, यजुर्वेद 13:57। और यहाँ प्रसंग वही है कि ब्रह्मचर्य अधीत विद्या कृत विवाह स्त्री पुरुषों गृहस्थों का प्रकरण चल रहा है कि जो लोग ब्रह्मचर्य आदि के माध्यम से वेद विद्या आदि को पढ़ करके बहुश्रुतौ भविता, बहुत सुनने वाले। और हमारे मस्तिष्क में तो हम तो सोचते हैं कि नहीं जी, और इसका अर्थ आप समझते हो क्या अर्थ निकला, आप चारों वेद आप कंठस्थ कर लो लेकिन अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है जहां पे आप माथा झुका सकते हो, जहां जाकर के चरणों में रख ही दो, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके लिए 2 बजे रात में भी आ जाए तो आप उसके लिए खुश हो जाए, पागल हो जाए, कह रहे वो आ गया मैं उनके लिए तब ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगी, ये खिलाऊंगी, ये सुलाऊंगी, ऐसे करेंगे, अगर ऐसा भाव नहीं उठता हो तो भूल जाइए कोई आपके जीवन का जीवन है, कहीं तो आपका ऐसा प्रेम होना चाहिए। और ये प्रेम किससे हो, कल से हम लोग ये बात कर रहे हैं, अगर मनुष्य है ये प्रेम माता पिता के प्रति, सबसे पहले माता पिता, फिर कोई गुरु आचार्य। और ये पंक्तियां ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में पहला समुल्लास लिखते ही ये लिख रहे हैं, ये कोई हम अपने पल्ले से नहीं बोल रहे हैं, ऋषि का वाक्य है। लेकिन दुर्भाग्य कि हमने 200 वर्ष ऋषि दयानंद का जन्म उत्सव मनाने की हम जन्म शताब्दी मना, पर इसका कोई आयोजन नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई न राष्ट्रपति बुलाए जा रहे हैं, न इसके लिए गृह मंत्री बुलाए जा रहे हैं, न इसके लिए प्रधानमंत्री बुलाए जा रहे हैं, न ऐसी कोई घोषणा, न हमारे खोपड़ी में कोई, हम भी तमाशबीन, हम तो बस ढोल तमाशा शोभा यात्रा निकाल ली, ये कर लिया वो कर लिया, और हम सोचते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं किया। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अगर आप निष्कपट होकर के, निश्चल मन वाले होकर के, अगर आप एक कमरे में बैठे रह जाते हो, गुफा की तरह भी बैठे रह जाते हो, आप सोच नहीं सकते हो आप जगत का कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। एक साधु ऐसे ही सभा लगी हुई थी, सामने ही बैठे 55 वर्ष के आसपास का कोई व्यक्ति, उसे संबोधित किया, उठो और बताओ कि तुमने जीवन में किया क्या। तो जैसे उसको खड़ा किया उसके चेहरे से तो एकदम भाव विभोर था, उसकी आंखों से आंसू ठलक पड़े। उसने कहा कि महाराज आप पूछते हो मैंने इतनी आयु में किया क्या, तो मैं नहीं जानता कि मैंने क्या किया, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं जब से होश संभाला है मैंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी के साथ कपट नहीं किया, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। कहते हैं इतना भर सुनना था, पूरी सभा करता ध्वनि से भर उठी। और साधु कहता है यही तो करने के लिए जीवन मिला है, आपने क्या किया, आपने क्या झंडे गाड़ दिए उसके लिए जीवन नहीं मिला है, आपने किसी के साथ छल नहीं किया, आपने किसी के साथ कपट नहीं किया है, धोखा नहीं दिया है किसी को, आपने बहुत बड़ा कार्य किया। आज तो हम एक परिवार हमसे भी बचता है, आपस में एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। हमारे वहां पे वो गढ़ मुक्तेश्वर के पास में एक बहुत जगह का नाम नहीं ले रहा हूं, दिल्ली से कोई बहुत दूर नहीं, तो बहुत बड़ा मकान बना लिया है, एक हमारे वो परिचित है व्यक्ति, उसकी पत्नी ने टेरिस पर भी वो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, किचन में भी लगा दिया है, किसके लिए, पति के, क्या पता, उसको हर समय डर लगा हुआ है, उसे सीसीटीवी कैमरे कोई जगह नहीं छोड़ी जहां सीसीटीवी कैमरे ना लगाए। और हम लोग कहा करते हैं कि ये 4 बसंत ऋतु चल रहा है, घर घर बोल लीजिए एक बार आप, घर घर में हो उजास तो समझो बसंत है, कोई ना हो उदास तो समझो बसंत है,
संदेह तो रिश्तों में है, पतझड़ की निशानी। संदेह तो रिश्तों में है, पतझड़ की निशानी। गर आपस में हो विश्वास, गर आपस में हो विश्वास तो समझो बस। जहां संशय पैदा हो गया वहां तो समझो कि आपका पतिभार पैसा हो गया। जहां एक पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, बच्चों आप घर में जाएं और आपको भरोसा ना हो, ताला मारना पड़े हर जगह, पत्नी पर भी भरोसा ना हो, बच्चों पर भी भरोसा ना हो, कुछ पता नहीं है, बच्चे कभी उठा के लेके चल देंगे, तो फिर घर नरक किसको कहते हैं? इसी को नरक कहते हैं। जहां पर आपको हर पल हर एक पर भरोसा करने का भाव उठता हो तो समझो आप कहीं और नहीं रहते हो, आप स्वर्ग में ही बसते हैं। कहते हैं ना कि भाव कथा है कि एक बार एक युवक युवावस्था में शरीर छूट गया, भगवान के पास सीधे पहुंच गया। वहां सभा लगी हुई थी और लोगों को नरक भेजा जा रहा था, स्वर्ग भेजा जा रहा था। जैसे वो युवक पहुंचा है, भगवान ने कहा बता तू स्वर्ग जाना चाहता है कि नरक? एकदम वो घबराया, उसने कहा कि क्या मैं स्वतंत्र हूं ये चुनने के लिए? तो भगवान ने कहा बिल्कुल, धरती पर भी स्वतंत्र थे, यहां भी स्वतंत्र। उसने कहा तो प्रभु क्या कोई इसमें शर्त भी है, वैसे ही चुन लू? बोले तो अच्छा किया तुमने पूछ लिया, शर्त है, छोटी सी शर्त है, अगर तू स्वर्ग चुनता है तो दो मूर्ख तेरे साथ होंगे, और अगर तू नरक चुनता है तो दो देवता पुरुष, दो सज्जन पुरुष, दो साधु वो तेरे साथ होंगे। एकदम घबरा गया, बोला मैं तो नरक जाऊंगा ही जाऊंगा, दो साधु भी जाएंगे, ये पाप का भी गठरी मैं ही उठाऊं कहीं, कोई ऐसा तो अजीब था लग रहा। और स्वर्ग जा नरक, अगर स्वर्ग चुनता हूं तो दो मूर्खों को भी स्वर्ग मिल जाएगा मेरे कारण, ये तो कोई बात ना हो। वो बिल्कुल एकदम घबरा गया।